الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم सदक अल्लाह मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस ज़ात वाहदहू ला शरीक के लिए सदावार है जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म हादी बरहक़ रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनका के वजूद आपके और हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अजीजाने ग्रामी, दीन में किसी भी नए काम के ईजाद करने का नाम बिदत है। हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाती है, जो कि बदतरीन ठिकाना। आज आपने खुतबे मस्तूना के बाद कलामुल्लाह की आयत का एक अजीमुश्शान ऐलान सुना, जिसमें रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वो इन्नका लअला खल्क़िन अज़ीम, यकीनन आप अजीम अखलाक वाले हैं। ये बात अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपके अखलाक के बारे में, जैसा कि आपने आपके मुकाम के बारे में गुज़िश्ता जुमा सुना, आज मैंने सोचा कि कहीं हम इस बात पर गुफ्तगू करें कि कौनैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े मुबारका, आपकी आला सिफात किस तरह थी, इस पर तज़किरा किया जाए। चुनाचे कुरान में रब्बुल आलमीन ने जब इस बात का ऐलान कर दिया कि वइन्नक लअला खल्क़िन अज़ीम, कि आप यकीनन अज़ीम अखलाक के मालिक हैं, ये खालिक और मालिक कह रहा है। और जब हजरत आयशा से सहाबा कराम ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो हजरत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान खल्क़ुल कुरान, आपके जो अखलाक थे वो कुरान थे। कुरान पढ़ लो, आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे। जो कुरान में है वही आपके अखलाक थे, जो कलामुल्लाह में है वो आप अमली नमूना थे, आप कलामुल्लाह की तफसीर थे। जो हुक्म अल्लाह ने दिया, जो अखलाक अल्लाह दुनिया में नमूना बना चाहता था, नमूना पेश करना चाहता था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक में के जरिए से इंसान के लिए एक अजीम खुदवा, एक अजीम नमूना, एक कामयाब जिंदगी बनाकर भेजा। चुनाचे हजरत आयशा फरमाती है कि कान खल्क़ुल कुरान, आपके खल्क वो चलता फिरता कुरान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमली नमूना पेश किया वो अल्लाह की रजा थी, वो अल्लाह का हुक्म था, वो कुरान पाक की तफसीर थी, जो दुनिया के अंदर इंसानियत की रहनुमाई के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व
وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا. کہ اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے, شہادت دینے والا بنا کر بھیجا ہے, خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, وداعیاً الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے, باذنہ اللہ کے حکم سے سراجا منیرا روشن چراغ بنا کر بھیجا, ایسا چراغ جس کی روشنی تا قیامت باقی رہنے والی ہے, ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے, خلق عظیم بنا کر بھیجا ہے, ایسی شخصیت بنا کر بھیجا ہے کہ جس کی اتباع کرے بغیر جنت میں انسان داخل ہو ہی نہیں سکتا, جس کی اتباع کرے بغیر زندگی کے کسی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو چھوڑ کر اگر اس دنیا کا امام بننا چاہتے ہیں, اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس دنیا کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں, بظاہر فتح نظر آئے گی وہ فتح نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ آپ کی اتباع کرنے والوں کے لیے ایسی فتح ہے جو دنیا میں بھی فتح ہے اور آخرت میں بھی فتح ہے, وہ فتح حقیقی فتح ہے, وہ کامیابی حقیقی کامیابی ہے, وہ نجات حقیقی نجات ہے, وہ بلندی حقیقی بلندی ہے, وہ معراج حقیقی معراج ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. ہم دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے فلسفے پڑھتے ہیں, بڑی بڑی باتیں شعراء کرام کی سنتے ہیں, مفکرین کی سنتے ہیں, پروفیسر کی سنتے ہیں, مورخین کی سنتے ہیں, محققین کی سنتے ہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ اگر جو بات دنیا والے کہہ رہے ہیں اس پر کونین کے تاجدار کی مہر لگی ہوئی ہے تو پھر وہ قابل مبارکباد, وہ قابل نجات ہے, وہ قابل اتباع ہے, وہ قابل کامیابی ہے, قابل قبول ہے. اگر وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتی ہے تو اس میں کوئی کامیابی نہیں, اس میں کوئی فتح نہیں, اس میں کوئی نصرت نہیں, اس لیے کہ برکتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں جب حکم کونین کے تاجدار کے مطابق ہو, اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کوئی بھی عمل ہو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہوگا تو اس کے اندر کوئی نجات نہیں, کوئی کامیابی نہیں, وہ قابل قبول نہیں. چنانچہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ناکامیاں کیوں ہوتی ہیں, اس کا سبب کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں اور اس طریقے کو بھی نہیں اپناتے. آپ غور کریں, یہی وہ اخلاق مبارکات ہے جو لوگوں کو شہادت پر مجبور کر دیتے تھے, یہی وہ اخلاق مبارکہ تھے جو آتا تھا وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا تھا, سمامہ یمامہ کا گورنر تھا, کافر تھا, گرفتار کر کے لایا گیا, مسجد نبی میں باندھ دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے دیکھا یمامہ کا گورنر گرفتار ہو کے آیا ہے, اس سے پوچھا کہ اے یمامہ تم میری طرف ایک دفعہ دیکھ لو, اس نے کہا کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا, مجھے تمہاری طرف دیکھنا نہیں ہے. دوسرے دن اللہ کے رسول تشریف لائے, پوچھا یمامہ ایک دفعہ دیکھ تو لو, اس نے پھر وہی جواب دیا. تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یمامہ کو رہا کر دو, یمامہ کو کھول دیا گیا, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا, آپ کی مسکراہٹ کی طرف دیکھا, چہرے کو انوار کو دیکھا, لیکن وہ وہاں سے نکل پڑا
रास्ते में उसका दिल इस कदर परेशान हो गया, इस कदर कैफियत उसकी बदल गई कि जितनी तेजी से भागा था उतनी दुगनी तेजी से वापिस आया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह। वो क्या मुस्कुराहट थी, वो क्या कह रहे हैं, पूरे अनवार का नूर था जो इंसान को इस कदर हल्का पोशे इस्लाम था। वो क्या अखलाक थे, वो कौन सी सिफत थी, वो कौन सा दर्द ईमानी था, वो कौन सी मोहब्बत थी, वो कौन सी इंसानियत थी। आप गौर करें आज जो आकाए दो जहां पर उंगली उठाते हैं, वो गौर करें मक्का फटा हुआ 10,000 सहाबाए करम फातिहाना दौर में दाखिल हो रहे हैं, कौन है इनके ताजदार अपनी गर्दन को झुकाए हुए मक्के में दाखिल हो रहे हैं ताकि दुश्मनों को बुरा ना लगे, ताकि कुफार को किरा ना गुजले। लोग ये समझ रहे थे कि आज मोहम्मद फातिहाना दौर पर मक्के में दाखिल हो रहे हैं, आज हमारी शामत है, आज हमारा खतरा है, आज हमारे लिए तबाही है, लेकिन आकाए दो जहां फाते बादशाह बनकर हुक्मरान बनकर शहंशाह बनकर दाखिल हो रहे हैं गर्दन झुकी हुई है। वो कौन से अखलाक थे, वो कौन सी तरबियत थी, वो किसका हुक्म था। ये रसूल रहमत, ये रहमतुल आलमीन की शान थी। मुफस्सरीन ने यहां तक लिखा, सहाबाए कराम बयान करते हैं कि एक लौंडी भी आती है और बिना झिझक अपनी बात अल्लाह के रसूल के सामने रख देती थी। हजरत अनस आका के गुलाम थे, 8 साल से 18 साल की उम्र तक कौनैन के ताजदार की खिदमत में रहे। हजरत अनस से किसी ने पूछा, क्या तुम्हें अल्लाह के रसूल ने कभी डांटा भी है? हजरत अनस ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में मैं 10 साल मुसलसल खिदमत में रहा, कभी अल्लाह के रसूल ने उस तक नहीं कहा, ओए तक नहीं कहा। जब कभी गलती होती कौनैन के ताजदार तबस्सुम फरमाते, अपने गुनाहों पर मुस्कुरा देते थे। ये शान थी, ये अजमत थी कि जो कोई आता आपका गिरवीदा हो जाता, आपका गुलाम बन जाता, तो वो कौन सी चीज थी। अल्लाह कह रहा है लकद कान लकुम फी रसूलुल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए मिसाल अल्लाह के रसूल की जात में है, वो तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजे गए। सहाबा इकराम ने इस बात का तज़किरा किया कि एक औरत जिसका दीवानी तवाज़ुन खराब था, जिसकी माशरे में कोई हैसियत नहीं थी, वो भी आती अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़कर अल्लाह के रसूल को जहां चाहती ले जाती और अपनी बात मनवाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों को देखते तो उनको सलाम करते थे। कौनैन के ताजदार थे, शाह मदीना थे, बादशाह थे, हाकिम थे, अल्लाह के रसूल थे, आला मकाम मर्तबत के मालिक थे, लेकिन गली से गुजरते छोटे बच्चों को देखते तो उनको खुद सलाम करते थे। यतीम बच्चों को देखते तो उनके सर पर हाथ फेरते थे। और आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखते हो, जितने माल तुम्हारे हाथ को लगते हैं उस कदर अल्लाह तुम्हें नेकियां अता करता। और आपने इरशाद फरमाया जो यतीम की किफालत करेगा, और दो उंगलियों को उठाया और फरमाया कि वो कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में इस तरह करीब रहेगा। ये शफ़क़त, ये अख़लाक़, ये रहमत आलम की शान है कि जब आप यतीम बच्चों को देखते तो उनके सर पर हाथ रखते थे। किसी ने हजरत आयशा से पूछा, हजरत आयशा सलामुल्लाह कहती हैं कि उनसे जब पूछा गया कि घर में अल्लाह के रसूल का क्या आलम होता, तो वो फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल घर में होते रहमत ही रहमत होती, बरकत
की बरकत होती, मैं आपा गूंज रही होती हूँ, अल्लाह के रसूल उसमें हाथ बटाते हैं। घर का पानी खत्म होता है, अल्लाह के रसूल लेकर आते हैं, घर में सफाई करते हैं, यहां तक के अगर जूता फट जाता है तो अपने हाथ से सीते हैं। ये अखलाक, ये किरदार, ये अजमत, ये शान, ये तरीके जिंदगी, आज दुनिया इसकी मुंतजिर है। अजवाज मुतरहात हजरत इस्तिया इरशाद फरमाती है कि सारी कायनात में मैंने अल्लाह के रसूल से ज्यादा अच्छे अखलाक का किसी को नहीं देखा है। ये अजमत, ये शान। और इब्न मखज़ूमी ने लिखा, जो जवानी में नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल के साथ तिजारत में शरीक थे, फरमाते हैं कि मैंने ऐसा पार्टनर, ऐसा शरीक जिंदगी में कभी नहीं देखा है जो इस कदर नरम, इस कदर साफ पाक शफाफ हिसाब किताब में, और इस कदर रहम दिल, इस कदर कुशादा दिल, इस कदर वसी दिल मैंने कोई पार्टनर नहीं देखा। और जहां कहीं जाते बरकती बरकतें आपका सारा करती। सहाबा कराम मदीने के अंदर लोग बर्तनों में पानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते और आप उसमें हाथ डालते, बरकतें ही बरकतें आ जाती। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं कर्जदार हूं, मैं कर्जदार हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और जिनको देना हो वह तखावा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कल सुबह बाग में अपने जाओ और खजूरों को तोड़ो, मेरे आने तक उन खजूरों को ना तोड़ो, मैं आऊंगा बाग के चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद फिर बात करूंगा। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़्वे वैदा दूसरे दिन सुबह उस बाग में दाखिल होते हैं। आपने खजूरों के दरख्तों पर निगाह डाली, बरकत की दुआ दी और साहब बाग से कहा कि तुम खजूरें तोड़ो और कर्जदारों को बुलाओ। उन्होंने खजूरें तोड़ना शुरू की, कर्जदार आए, जिसका जितना खर्च था मुकम्मल अदा हो गया और खजूरें जैसे के वैसे लटक रही थी। ये आपकी बरकत थी, ये आपकी दुआ थी, ये आपकी शान थी, ये आपके हुस्न अखलाक थे कि गैरों के कर्जों का भी आप बोझ उठाते थे। जब पहली बार हजरत जबरील वही लेकर तशरीफ लाते हैं तो आप वही की हैबत से, शिद्दत से, आपने पहली बार हजरत जबरील को देखा था, हैबत खा गए, घर को आए, अपनी बीवी हजरत खदीजा से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कहीं मेरी रूह ना कब्ज कर ली जाए, मुझे चादर उड़ा दो। तो आपकी बीवी ने क्या कहा था कि कल्ला कल्ला अब शुरू फल्लाही ला युग्जी कल्ला वला, कि आपको बशारत हो, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा, इसलिए कि आप सच बोलते हैं, लोगों का बोल बर्दाश्त करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, लोगों का हक अदा करते हैं, आप सादिक व अमीन है, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। कुर्बान जाइए, हजरत खदीजा उस वक्त हिम्मत वाली थी जब कौनैन के ताजदार को कोई हिम्मत देने वाला दुनिया में न था। हजरत अबू बकर ने उस वक्त आपका साथ दिया था जब कोई आपकी तकजीब कर रहा था, कोई आपको ताना दे रहा था, और सिद्दीक आपकी सदाकत का ऐलान कर रहे थे। जब दुनिया के अंदर कोई आपकी तस्दीक नहीं कर रहा था तो एक गुलाम और एक आजाद थे जो आपका साथ दे रहे थे। गुलामों में हजरत बिलाल हबशी थे और आजाद में हजरत अबू बकर थे। दुनिया तकजीब कर रही थी, हर खल के दरबार में हजरत अबू सुफियान ने उसने पूछा कि तुम जिस नबी के पास से आए हो वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है, क्या वो कभी झूठ बोलता था? तो वो अगरचे के ईमान न लाए थे, उन्होंने कहा था कि हम में सबसे ज्यादा सच्चा अगर कोई है तो वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और
जो आली मनसब है तो वो मोहम्मद है, आला खानदान से जो ताल्लुक रखते हैं वो हजरत मोहम्मद है। तो ये आपकी शान थी, ये आपकी अजमत थी कि आपने इरशाद फरमाया लोगों, आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्सलाम बैनकुम, तुम चार काम ऐसे हैं करो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहले आपने इरशाद फरमाया उस्सलाम वतिमुत्ताम वसल्लु बिललैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, कि हर छोटे बड़े को जाने अनजाने को सलाम करो। दूसरा काम आपने बतलाया अतिमुत्ताम खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, अपनों को खाना खिलाओ, दोस्तों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारों को खाना खिलाओ, इसलिए कि खाना खिलाने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, खुलूस बढ़ता है, इंसान के अंदर दोस्ती कायम होती है, इस्लाम को तकवीत हासिल होती है, उख्वत और भाईचारे की आगे बढ़ती है, सलाम से पुरमता में इजाफा होता है, लोगों के दिल पाक होते हैं, लोगों को लगा हुआ रंग धुलता है, लोग आपस में एक दूसरे से करीब आते हैं। आपको अल्लाह ने जामिउल कलम बनाकर भेजा है कि आप ऐसे कलमात बयान करते हैं, ऐसा हुक्म देते हैं जिसमें मानवियत के ढेर होते हैं, मानवियत के अंबार होते हैं, जिसमें कामयाबी की किरणें इंसान पर लगती हैं, ऐसी जियाबाद किरणें वाली बातें आपकी जबान से निकलती हैं कि उसकी ऊपर अगर तहकीक की जाए तो इंसान अपनी जिंदगी को लगा ले, लेकिन उसके माने वो मफाहिम खत्म नहीं हो सकते। चुनाचे इन चार बातों को आप गौर करें जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्सलाम, सलाम को आम करो, तिम्मुत्ताम लोगों को खाना खिलाओ, और वसल्लु बिललैल वन्नास नियाम जब लोग सो रहे हो तो तुम उठकर नमाज पढ़ो, इसलिए कि रात की तहज्जुद की क़याम की नमाज की यह फजीलत है कि अल्लाह खुद आसमान से निदा लगाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी मांग को पूरा करने के लिए तैयार हूं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुशखबरी सुनाई तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तुम ये चार काम करो और हंसी खुशी जन्नत में दाखिल हो जाओ, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, कामयाबी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इतना आसान फार्मूला, इस कदर आसान इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। जन्नत में जाने के, कामयाबी हासिल करने के बेशुमार रास्ते अल्लाह के रसूल ने बताए, मुख्तलिफ मुकामात पर, मुख्तलिफ मौकों पर, मुख्तलिफ दावियों पर कौनैन के ताजदार ने मुख्तलिफ अहकामात नाजिल किए। जब एक साहबिया रसूल को यमन का गवर्नर बनाकर आप भेज रहे थे तो आपने हुक्म दिया कि तुम लोगों के साथ नरमी करो, सख्ती ना करो, उन्हें बशारत सुनाओ, उन पर सख्ती के अहकाम नाफिज ना करो। ये रहमत आलम की, ये आपके अखलाक थे, ये आपके किरदार थे कि लोगों के साथ सख्ती ना करो, लेन देन के अंदर नरमी करो। जब कोई कर्जदार किसी के पास आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जब किसी को कर्ज देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस कर्ज की रकम को जितनी मुद्दत के लिए दूसरे आदमी को दिया है उस वक्त तक हर रोज उतनी रकम सदका करने का उसको सवाब देता है, और फिर मुद्दत खत्म होने के बाद आदमी मजीद मुद्दत को बढ़ा दे तो दुगना अजर उसको दिया जाता है। ये रसूल रहमत के अहकाम हैं। चुनाचे वक्त भी तंग हो रहा है, बातें बहुत सारी मैंने लिखी थी कि आपके सामने रखूं, आजीजी इनके सारी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा हयनी मिस्कीनन व अंतनी मिस्कीना, कि अल्लाह तुझ मुझे मिस्कीनों में रख और मिस्कीनों में मौत अता फरमा। हजरत आयशा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिस्कीन दौलतमंदों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल है, इसलिए कि दौलतमंदों का तो हिसाब और किताब होगा, उनको एक एक पाई का हिसाब देकर जन्नत में जाना होगा, एक एक नेमत का जवाब उनको देना पड़ेगा। कुरान कहता है सुम्मा तुसअलुन्न यौमैज़िन अनिन्नईम, तुमसे एक एक नेमत का
का हिसाब लिया जाएगा। आज जिस माल को जिस दौलत को इकट्ठा करने के लिए तुम अहकाम रसूल को अहकाम इलाही को छोड़ रहे हो, जिन नमाजों को रोजों को ज़कात को हज को नजरअंदाज कर रहे हो, अपनी दौलत को कमाने में लगे हो, सोचो कि इस दौलत के एवज तुम्हें 40 साल ताखीर से जन्नत में दाखिल होना होगा। मिस्कीनों के पास तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके फराइज को देखेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि मुझे अल्लाह तू मिस्कीनों में रख और मिस्कीनों में मौत अता फरमा। आपसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और पूछा कि तुम बादशाह नबी बनना चाहते हो या अब्दुल बर नबी बनना चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं गरीब बंदा और रसूल बनना चाहता हूँ, मुझे बादशाह की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि गरीब सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जबकि कई दफा आपको ऐसे ऐसे खजाने दिए गए, आप जानते हैं कि अरब की सरजमीन पर हर दफा खैर व बरकत की बारिश रही है, हर दौर में सारी दुनिया से पेट्रोल तो 100 साल पहले निकला है, उससे पहले भी सारी दुनिया का इंसान वहां हज के लिए जा रहा था। 5000 साल की मालूम तारीख में जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर है, जब से काबा बना है उस वक्त से लोग वहां जाते हैं, और इस्लाम की आमद के बाद से तो वो मुसलमानों का किबला है, मुसलमानों का मरकज अव्वल है, वो बैतुल्लाह है, हमेशा वहां खैर बरकत भलाई हर दौर में रही है, हर वक्त सारी दुनिया की नेमतें वहां मुयस्सर है। मदीने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीने के अंदर शैतान दाखिल नहीं होगा, क्यों कि उसके दरवाजों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। अजीज साथियों, ये तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर घड़ी हर वक्त इस बात का ख्याल रखते थे कि किसी इंसान का दिल ना दुखे। आप तो कब कभी कोई गुलाम अगर दावत देता, एक जौ की रोटी पर अगर कोई दावत देता, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते। आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो कोशिश होती है कि जहां बड़े आदमी की दावत हो वहां हम शिरकत करें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स एक जौ की रोटी पर भी आपको मधु करता तो आप वहां जाते और उस गरीब के साथ खाना खाकर उसको शर्म बख्शते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके आलिया थे। चुनाचे खुतबे का वक्त तंग होता है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस उस्वाए नबी पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सब की जिंदगियों में खैर व बरकत अता फरमाए, हम सब के वालदैन की मगफिरत फरमाए, जो जिंदा है उनकी उम्रों को दराज फरमाए, जो गुजर चुके हैं उनको आलाइन में मुकाम अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान المجيد ورفعنا وإياكم بآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كليم رؤوف ورب حليم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واليدو يستجيب لكم ولذكر الله تعالى على أولى وأكبر. وعليكم السلام.
إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون فادخلوها خالدين صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریفات اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حاضر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ اصحاب مبارک وسلم پر، جن کا کہ وجود آپ کے اور ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. عزیز ساتھیو، دین میں کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. آج کے اس مختصر سے وقت میں، ان بابرکت ساعتوں میں، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سورہ زمر کی ایک عظیم آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، کہ ان کے لیے جب وہ جائیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور ان کے نگہبان کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. وسیق الذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جن کے اندر یہ شعور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کو ہر لمحہ اللہ کے خوف میں گزارنا ہے، اللہ کے ڈر میں گزارنا ہے، اللہ کے احکام کی روشنی میں گزارنا ہے، حدود اللہ کے اندر گزارنا ہے، جو بات اللہ نے کہی ہے اس پر منوہن عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے. ایسے لوگ جو اپنا ہر گھڑی ہر دم ہر لمحہ احساس رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں کہ ان کے اعمال برباد نہ ہو، وہ اللہ رسول کی احکام کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں، جن کے دل میں یہ شعور یہ احساس ہمیشہ جاگزی ہوتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے خشیت الہی سے سرشار ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے گروہ کے گروہ، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، کہ ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے. اور جب وہ جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے دربان ان کے لیے دروازے کھولیں گے اور ان سے کیا کہیں گے؟
कि उनसे कहेंगे सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, तुम कुछ हार रहो, तिब तुम फतखलुहा खालिदीन, तुम कुछ हार रहो। और वो जगह ही ऐसी है जहां किसी किस्म की कोई लहू बात नहीं, किसी किस्म का कोई दुख नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म की कोई आफत नहीं, वहां तो सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली है, वहां तो सिर्फ अमन ही अमन है, वहां तो सिर्फ खैर ही खैर है, वहां तो सिर्फ ऐश ही ऐश है, हर किस्म की नाजो नेमत है, हर किस्म की जानो शौकत है, हर किस्म का इख्तियार है, हर किस्म की बादशाहत है, हर किस्म के महलात है, नहरें हैं, हर हर मेवा है, हर हर खूबसूरत औरत है, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी वहां लायक नहीं, ये निगहबान जन्नत के तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं, दरवाजों पर इस्तकबाल कर रहे हैं। किन लोगों का? जो लोग दुनिया में अल्लाह से डरा करते थे, जिनकी जिंदगियां खौफ इलाही में गुजरी, जिनके जबरदस्त अल्लाह की इताअत में गुजरे, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रसूल की इताअत में फरमाबरदारी में अहकाम की पाबंदी में गुजरा है। आज हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कैसी कैसी अजीम घड़ियां जो हमें जन्नत की तरफ ले जाने के लिए अल्लाह ने रखी हैं आ रही है और चले जा रही हैं, और हम गफलत में बैठे हुए हैं। इसी जुमा के दिन जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया कि एक ऐसी घड़ी इसमें है जो चीज तुम मांगो वो चीज तुम्हें अता की जाएगी, और वो घड़ी हर जुमा हमारे से मिल रही है, आ रही है, टकरा रही है और चले जा रही है। हम में से कितने खुश नसीब हैं जो उस घड़ी से फायदा उठा रहे हैं, जो उस घड़ी को पाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं वो इस घड़ी को पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वो शख्स बदनसीब है जो अपने बूढ़े वालिदैन को पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत को ना हासिल करिए। कितने लोग हैं जो वालिदैन को पाने के बावजूद इस अजीम जन्नत से महरूम है, इस अजीम कामयाबी को पाने से महरूम है, कितने बदनसीब हैं जो नहीं जानते। इसलिए अल्लाह ने वादे कर दिया जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का डर होगा तो इन घड़ियों की आमद का इंतजार होगा, इन नेमतों की खदर का अंदाजा होगा, इन नेमतों की कीमत का अंदाजा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आधा खजूर का टुकड़ा ही सही देकर जन्नत को हासिल करो। कि क्या बात है कि आधा खजूर जिसकी कोई हकीकत नहीं, लेकिन अल्लाह के डर से हुजूर जन्नत के नियत से अगर ये दिया जा रहा है तो अल्लाह की बारगाह में इंतहाई काबिल कबूल है। एक वाकये में इस बात का तस्करा है कि किसी शख्स ने अल्लाह की राह में 1,00,000 रुपए खैरात किए और दूसरे ने सिर्फ 1 पैसा खैरात किया, लेकिन अल्लाह ने उस 1 पैसा देने वाले को सबसे पहले जन्नत में डाला, इसलिए कि वो 1 पैसा खशियत इलाही के लिए था और उसकी सारी दौलत ही 2 पैसे थी, उसके पास थे ही 2 पैसे, उसने 1 पैसा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, अपनी आधी दौलत को दे दिया और इस नियत के साथ दिया कि इससे अल्लाह राजी हो जाए। खैर खैरात सदका अल्लाह के गुस्से को कम करते हैं, लोगों के लिए रहम को नाजिल करते हैं, खैर बरकत को नाजिल करते हैं। कि हम कितनी घड़ियां देखते हैं, सायल आता है चला जाता है, अगर हम उस सायल की कदर करें तो हम इस जन्नत को पा सकते हैं, अल्लाह को पा सकते हैं। कई घड़ियां सुबह और शाम हमसे टकराती हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं, हमें इस बात का शऊर नहीं, इसलिए कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जिस दर्जे का हम में होना चाहिए
वो मौजूद नहीं है। या जो शऊर खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा जिस मियार का चाहिए, वो अभी तक हम में पैदा नहीं हुआ है। अगर ये शऊर, ये तकवा जिसका अल्लाह हमसे मुतालबा कर रहा है, अगर ये हम में पैदा हो जाए तो हर घड़ी हम जन्नत के, हर घड़ी हम जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं, हर घड़ी हम जन्नत को पाने वालों में से हो सकते हैं, हर घड़ी उन गुरुओं में से हो सकते हैं जिसका अल्लाह ऐलान कर रहा है, वसीखल लजीन तक्कू रब्बहु मिलल जन्नति ज़ुमरा, कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके गुरुओं के गुरु जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, गुरुओं के गुरु। अजीज साथियों, गौर करो, अगर इस गुरुओं में हमें शामिल होना है तो हमें कौन से काम इस दुनिया में करना है। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन लिलमुत्तकीन मफाजा, इन लिलमुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, तीसरी जगह इरशाद फरमाया, इन लिलमुत्तकीन मफाजा हदाइखा व अनाबा, के कामयाबी के लिए ये शर्त है, बेशक कामयाब होने वाले लोग वो हैं, इन लिलमुत्तकीन मफाजा, कामयाब होने वाले लोग मुत्तकीन हैं, अल्लाह से डरने वाले। मुत्तकी किसको कहते हैं? जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, जिसके दिल में यह एहसास पैदा हो जाए कि मेरे हर अमल को अल्लाह देख रहा है, मेरा अमल मॉनिटर हो रहा है। जो लोग पहले तमस्कुर की बातें किया करते थे कि तुम्हारा हर घड़ी हर लम्हा तुम्हारी किताब तैयार हो रही है, अल्लाह हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, तो लोगों को ये बात मुश्किल नजर आती थी या काबिले फहम अच्छी होगी, लेकिन आज के दौर में ये इंतहाई आसान हो गई है। आप गौर करें कि एक छोटा सा टुकड़ा आप अपने जेब में रखते हैं, वो आपकी जिंदगी के हर हर एक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। एक ब्लू चिप, एक सिम तुम जेब में रखते हो, और वो सिम तुम जहां कहीं जा रहे हो सुबह से शाम तक कहां कहां तुम्हारा दौरा हुआ है, किन किन गुल्लियों से, किन किन रास्तों से, किन किन महलों से तुम गुजरे हो, सारा का सारा रिकॉर्ड तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे जेब में होने की वजह से तैयार हो सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में सिर्फ एक सिम बच्चों के यूनिफॉर्म में लगा दी जाती है, और सुबह से शाम तक बच्चा जहां जहां गया वो रिकॉर्ड तैयार होगा। अगर बच्चा घर से निकला और स्कूल को ना पहुंचा हो तो वो सिम माँ बाप को ऑटोमेटिकली एक मैसेज भेजती है कि बच्चा घर से तो निकला है लेकिन स्कूल में अभी दाखिल नहीं, जहां स्कूल की सरहद में दाखिल हो गया फौरी तौर पर घर के माँ बाप को एक मैसेज चला जाता, कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक यूनिफॉर्म के अंदर वो चिप लगाकर सी दी गई है। जब बच्चा स्कूल की गेट से बाहर निकला माँ बाप को SMS आता है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल से निकल गया। एक इतनी चिप जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी अकल दी उसने तैयार किया, और वो इंसान का इस कदर रिकॉर्ड पेश कर रही है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो खालिक कुल्ल शय है, अला कुल्ली शयइन कदीर है। उसके पास कौन सी मुश्किल है कि वो तुम्हारी तमाम हरकत और सकनात को, तुम्हारी हर किस्म के अमल को, अफाल को रिकॉर्ड ना कर सके। वो तो कुन फयकून का मालिक है। इज़ा अरादल्लाहु शयइन, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो कुन फयकून कहता है और वो चीज हो जाती है। वो कुन फयकून का मालिक है, उसके तमाम खजाने उसके हैं, तमाम बादशाहतें उसकी है, तमाम मुल्क उसके हैं, जर्रा जर्रा उसका है, हर चीज फना होने वाली है, और वैसे मालिक के लिए कौन सी मुश्किल है। रोज़े क़यामत अल्लाह कहेगा, इक़रा किताब व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, के पढ़ ले अपनी किताब, अपना एहतिसाब देख ले, जिसका नाम है आमाल सीधे हाथ में दे दिया गया, वो उन खुश नसीब लोगों में से होगा जो जन्नतुन नईम व फौज़े अज़ीम की नेमतों से सरशार होगा। लेकिन यही यही किताब अगर मुखालिफ सिंफ में आ जाए तो सोचो कि उसका क्या हिसाब होगा, उसकी क्या परेशानी होगी। इसलिए कि रोज़े क़यामत सिर्फ दो ही ग्रह होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर,
एक ग्रह जन्नत में होगा और एक ग्रह जहन्नुम में होगा। वहां कोई और जगह नहीं होगी, या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। सिर्फ दो ही ग्रह है, यह तय करना है कि किस ग्रह के अंदर हमें जाना है। वो इंसान का अमल बताएगा कि वो किस सिमत जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जिसके लिए जन्नत लिख दी गई है उसके आमाल उसका हुस्ने खात्मा बताता है कि वो किस जगह जाने वाला है। जिंदगी के आमाल उसकी नशोनुमा उसके शबो रोज इस बात की गवाही देते हैं कि आदमी के मामलात आदमी का लेन देन उसकी जबान उसके कौल व फेल उसके मामलात उसके आदाब उसकी इबादतें उसके नेक काम ये तमाम चीजें इंसान की निशानदेही करती हैं कि आदमी का हुस्न खात्मा किस पर होगा। आदमी वही कुछ पाता है जो वो बोता है। तुम ऐसी चीज को बोकर अच्छी चीज की तमन्ना करो ये कोई अकल में आने वाली बात नहीं है। जो बोओगे वही पाओगे। अगर नेकियां बोओगे तो नेकी मिलेगी, अगर तुम बुराई का काम करोगे उम्मीद अच्छाई की रखोगे तो ये किसी की अकल में आने वाली बात नहीं है। जानबूझकर आग में हाथ डालोगे और वहां से ठंडक की उम्मीद रखोगे तो क्या ये मुमकिन है। इसी तरीके से इस जिंदगी के अंदर आदमी इस कदर शऊरमंद वाक़े हुआ है कि कभी वो जानबूझकर अपने हाथ को आग में नहीं डालता। लेकिन बदकिस्मती से आदमी इस बात से बेखबर है कि एक आग है जो इंतजार कर रही है, जहन्नमियों का इंतजार कर रही है, अल्लाह के नाफरमानों का इंतजार कर रही है। और वो आग इस कदर शदीद है, इस कदर शदीद है कि ये दुनिया की आग का 70वां हिस्सा है। इससे 70 गुना ज्यादा आग है जो जहन्नुम में दहकाई जा रही है। इस कदर शदीद कि जहन्नुम खुद अपने आप से पनाह मांगती है, अल्लाह से शिकवा करती है कि अल्लाह तूने मेरी आग को इस कदर दहका दिया है कि मेरी आग का एक हिस्सा खुद दूसरे हिस्से को खा रहा है। इस कदर शदीद आग, इस कदर परेशानी, इस कदर हैबतनाक हमें इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा गया, नबी और रसूल इसलिए भेजे गए, कुरान इसलिए उतारा गया कि हम उस आग से बच जाए, उस आग की तैयारी से बचने के लिए, उस अजाब से बचने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा कि इंसान को आजमाए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। नेमतें दी, खुशखबरियां सुनाई, इंसान को अता जो की जाने वाली चीजें हैं गिन गिन कर कुरान ने उसका ऐलान किया कि तुम्हें जन्नत के अंदर ऐसे बाग दिए जाएंगे, ऐसी नहरें दी जाएंगी। एक एक चीज का तस्करा किया गया कि इंसान इस बात से वाकिफ हो जाए कि तू इस जिंदगी के अंदर अगर सब रोजत के साथ अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करेगा, अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो ये नेमतें तेरा इंतजार कर रही हैं। अजीज साथियों, कुरान पाक में मुतअद्दिद मुकामात पर रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम ने मुसलमानों के लिए, जन्नतियों के लिए, मुत्तकीन के लिए बेशुमार खुशखबरियां सुनाई हैं। देखिए अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मुत्तकीन इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़ा हदाइक़ा व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाखा ला यस्मऊन फीहा लग़वन व ला किज़्ज़ाबा जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। कि बेशक कामयाब होने वाले लोग मुत्तकीन हैं और उनके लिए क्या है, हदाइक़ा व अनाबा, अंगूर के बाग है, कवाइब अतराबा के बेहद खूबसूरत हो रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाली ऐसी हसीन और जमील कि अगर सिर्फ दुनिया के अंदर झांक ले तो सारी दुनिया रोशन हो जाए। इस कदर हसीन, इस कदर जमील, इस कदर तंदुरुस्त के आदमी देखे तो देखता ही रह जाए, कोई चीज पिए इस कदर हसीन और जमील के वो नजर आए, उनके हड्डियों के गोले का तक नजर आदमी कर सकता है। इस कदर हसीन और जमील, और यह भी फरमाया गया कि एक हूर सिर्फ दुनिया में झांक ले तो दुनिया रोशन हो जाए। इस कदर खुशबूदार कि एक दफा अगर
वो झांक ले तो उसकी खुशबू से दुनिया मुअत्तर हो जाए। ऐसी जन्नत की खुशबू, ऐसी खूबसूरती आज दुनिया में आदमी की सारी कोशिश क्या होती है कि दौलत कमा ले, एक हसीन औरत उसे मिल जाए, जिंदगी के अंदर ऐश इशरत नाज़ो नेमत की जिंदगी गुजारे। लेकिन अल्लाह वहां एक नहीं दो दो का तस्करा कर रहा है कि मुत्तकीन के लिए, जन्नतियों के लिए दो दो बीवियां अता की जाएंगी, दो दो हूरें अता की जाएंगी। और यही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औरतें जो दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारती हैं, जन्नती औरतें इस कदर खूबसूरत होंगी कि वो इन हूरों की भी सरदार होंगी। ये उन माँ बहनों के लिए खुशखबरी है जो दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारती हैं। अल्लाह कह रहा है, इन्ना लिल्मुत्तकीन मफाज़ा, हदाइक व अनाबा व कवाइबा तराबा व कासन दिहाका, ऐसी शराब उसको दी जाएगी आपकूरे वाली, ऐसी लज्जत वाली कि आदमी पिए तो ना उसका सर में दर्द हो ना बेहोशी हो, बल्कि सिर्फ लज्जत ही लज्जत महसूस करे। कासन दिहाका ला यस्मऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, वहां किसी किस्म की कोई बेहुदा बात नहीं सुनेगा, कोई बेहुदा बात, कोई गम की बात, कोई परेशानी की बात नहीं सुनेगा। ला यस्मऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, जज़ा मिन रब्बिका अतान हिसाबा, ये वो हिसाब है, ये वो इनाम है जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुनिया के नेक आमाल के अवज अता कर रहा है। आज इस जिंदगी को हमें इस जन्नत के हुसूल के लिए वक्फ करना है। परेशानियां, मुसीबतें, उतार चढ़ाव सब आते जाते रहेंगे, लेकिन मंशा और महवर यह हो कि आदमी इस नेमतों को पाए, इन अजमतों को पाए, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी को पाए। जब जन्नती जन्नत में, दोजखी दोजख में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला मौत को, फरिश्ते को हुक्म देगा कि मौत को एक डुम्बे की शक्ल में ले आओ, उसको एक डुम्बे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान उसको जुबा कर दिया जाएगा और ऐलान किया जाएगा कि आज के बाद फिर कभी मौत आने वाली, आज के बाद फिर कभी मौत आने वाली नहीं। जन्नती जन्नत में हमेशा हमेशा ऐश करेंगे और दोजखी हमेशा हमेशा दोजख का मजा चखेंगे। अजीज साथियों, ऐसी मुश्किल तरीन घड़ियों के लिए, ऐसे परेशानियों से बचने के लिए अल्लाह ने इस मुख्तसर सी जिंदगी को अता किया है कि इंसान को आजमाए, लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता। अल्लाह ने इस मौत और हयात को पैदा ही इसलिए किया है कि वो इंसान को आजमाना चाहता है, इख्तियार देकर, थोड़ा सा वक्त देकर, मुख्तसर सी जिंदगी देकर, रसूलों को मबूस फरमा के, कुराने पाक को नाजिल करके अल्लाह ये जांचना चाहता है कि उसके बंदे उसकी मारिफत चाहते हैं कि नहीं, उसके बंदे उस पर यकीन लाते हैं कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आपको देखकर गवाही दी उसके लिए एक खुशखबरी है, लेकिन जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा लेकिन आप पर ईमान ले आया, आपकी हर हर बात की गवाही दी, उसके लिए सात खुशखबरियां हैं, सात खुशखबरियां हैं। खुरूने वाला के मुसलमान सहाबाए कराम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप पर ईमान ले आए, आपकी गवाही दी, उनके लिए अल्लाह ने कहा एक खुशखबरी है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर ईमान ले आए और जिंदगी भर जमे रहे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनके लिए सात सात खुशखबरियां हैं। उनका मुकाम, उनका मर्तबा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अजीम नेमतें अल्लाह ने रखी हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सच्चे दिल से ईमान ले आए। अजीज साथियों, जन्नत में पानी की नहर होगी, दूध की नहर होगी, शराब की नहर होगी, खालिस शहद की नहर होगी। आज जिन चीजों को हम दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कैफियत देखिए, लेकिन यहां अल्लाह वादा कर रहा है, शराबन तहूरा मिजाजन जंजबीला लबनन खालिसा, कि हर चीज खालिस होगी और नहरों की शक्ल में होगी।
कि कितना इंसान इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करे, सैराब हो और किसी किस्म की कोई तकलीफ भी उसे नहीं होगी, सिर्फ एक डकार आएगी और सारे का सारा हजम हो जाएगा। जो चीज वो खाने की तमन्ना करेगा खुद ब खुद उसके सामने आएगी। इस कदर ऑटोमेटिक निजाम, इस कदर टेक्निकल निजाम, इस कदर फास्ट कि कोई दुनिया में बना भी नहीं सकता कि आदमी जहन में तसव्वुर करे और चीज आ जाए। हमें जितने आज इलेक्ट्रॉनिक आलात निकले हैं, जब तक हमारी उंगलियां काम नहीं करती उस वक्त तक वो चीज अमल में नहीं आती है। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, इंसान जहन में तसव्वुर कर रहा है, जी में सोच रहा है और चीज सामने आ रही है। ये कैसा निजाम है? ये उस खालिक और मालिक की बनाई हुई जन्नत है जिसमें आदमी सोचेगा चीज सामने आ जाएगी। वो खालिक है, दुनिया की जितनी तहकीकात हैं वो सब की सब उसकी दी हुई अकल के मुताबिक बनी है, उसकी अता के बाद बनी है। लेकिन उनका एक स्टेज, उसके बाद ये अकल काम नहीं कर सकती। तुम जन्नत को, दोजख को, अहकाम इलाही को अपनी अकल की कसौटी पर, अपनी अकल की कसौटी पर तोलने की कोशिश मत करो, ईमान ले आओ। इसलिए कि गैब पर ईमान लाने का दर्जा इतना बुलंद है, अगर तुम देख कर ईमान लाना चाहते हो तो फिर उसका फायदा ही क्या है, आजमाइश ही क्या है। लेकिन अल्लाह ने बेशुमार निशानियां रखी हैं, हर रोज रात आती है, हर रोज नींद आती है, हर रोज मौत हमसे मिलती है, और ना मिले तो जिंदगी में जी भी नहीं सकते। मुख्तसर जिंदगी, हर दिन मौत और हयात, हर दिन रात का सोना दिन का जागना इस बात का इशारा दे रहा है कि कोई है जो सूरज को गुरूब कर रहा है, चांद को तुलू कर रहा है, सूरज को तुलू कर रहा है। हम देख रहे हैं कि एक निजाम चल रहा है, इसके बगैर दुनिया की कोई चीज नहीं चल सकती। सूरज अपना काम ना करे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, उसकी शुआएं बेशुमार चीजों के पैदा करने का सबब है। चांद ना हो तो इंसान हैरान परेशान हो जाए। हर चीज अल्लाह ने अता की है, निशानियां रखी हैं। आयतुल्लाह कहा कि ये वो निशानियां हैं जिसको देखकर अकलमंद लोग अकल पकड़ते हैं, फहम पकड़ते हैं, शऊर पकड़ते हैं, अपने ईमान को ताजा करते हैं। लेकिन सब चीजों को देखे और आदमी अपने आप को बड़ा जहीन, चालाक, हफशाश, वशाश, जहीन और बहुत ही अकलमंद तसव्वुर करे और इन अल्लाह की निशानियों से अपने आप को दूर कर ले या इन पर निगाह न डाले, तो हम दुनिया में देख रहे हैं कि लोग पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, दुनिया की शबोरोज की तगड़ों में इस कदर लगे हैं कि ना उन्हें नमाज याद आती है, ना रोजा याद आता है, हज याद आता है, सिर्फ कमाना ही कमाना और फिर बूढ़े होना और मर जाना। दुनिया में हम ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं कि जो 24 घंटे रात दिन एक जुस्तजू में धुन में लगे हैं कि कुछ बन जाए, कुछ तरक्की पा जाए, लेकिन वो तरक्की अधूरी ही अधूरी है। आदमी अभी करता ही चला जाता है और बीच में रुख उसकी रुखे अंसरी को पहुंच जाती है। तो हम इस तमाम चीजों को दुनिया में मुशाहिदा करने के बावजूद गाफिल हैं, तो हमसे बड़ा गाफिल कौन है? हमसे बड़ा गाफिल कौन है जो देख रहा है फिर भी अकल नहीं पड़ रहा है? जबकि अल्लाह ने वाजे वाजे अहकाम दिए, जन्नत का तस्करा किया, वहां जहन्नुम का तस्करा किया, अंबिया और रसूल को भेजा, हिदायत का सामान किया, दुनिया में सुबह से शाम तक बेशुमार किस्म की चीजें हमसे टकराती हैं जो इस बात की दलालत करती हैं कि कोई है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बावजूद ये गफलत हमें कहां से कहां पहुंचा रही है। आज मैंने जन्नत के जो इनामात, जन्नत के जो अल्लाह ने नेमतें रखी हैं उसका तफसील से तस्करा करना चाहता था, लेकिन खुतबे का वक्त तंग होता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, बेबस हैं, नातवा हैं, हम में इतनी सलाहियत नहीं कि हम मुकम्मल तौर पर तेरी रजा के मुताबिक चल सकें। ऐ अल्लाह, तू अपने करम से, अपने फजल से, अपने रहम से हम सब के लिए इस कदर आसानी फरमा कि हम तेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, हम उन जन्नतों के हकदार हो सकें जो जन्नतों का तू वादा फरमाता है। ऐ अल्लाह,
हम कमजोर है, हम बेबस है, हम मजबूर है, हम महजूर है, हमारे अंदर इतना शऊर नहीं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम मुकम्मल तौर पर कर सकें। हम इस बात का इकरार करते हैं, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं कि तू हमारे लिए वो रास्ता पैदा फरमा जो हमारे लिए हुसूल जन्नत का हो, जो हमारे लिए कामयाबी का हो, जो हमारे लिए कामरानी का हो। ऐ बारे इलाहा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तमाम खताओं को दरगुजर फरमा, हम में जो बीमार हैं उनको शिफाए आजिला और कामिला नसीब फरमा, हमारे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, और हम सब के तमाम माँ बाप जो गुजर चुके हैं तो उनकी मगफरत फरमा, उनको आला इल्लीन में मुकाम अता फरमा, जो गलतियाँ उनसे सरजद हुए हैं। ऐ अल्लाह, हम तुझसे भीख मांगते हैं, तू हमें हमारी इस दुआ को सुन ले और उनको बख्श दे, उनके खताओं को दरगुजर फरमा, उनकी खताओं को दरगुजर फरमा, उनको जन्नतों के अंदर आला मुकाम अता फरमा, उनकी खताओं को तू ऐसा धो दे जैसा कि कपड़े से मैल दूर होता है। ऐ अल्लाह, हम सबको सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, हम सबके जिंदगियों में खैर व बरकत अता फरमा, हम सबके अंदर यह शऊर पैदा फरमा कि तू जिससे राजी होता है उन्हीं कामों को करने की तू तौफीक अता फरमा, और जिस तरह यहाँ जमा फरमाया है ऐ अल्लाह, तू इसी तरह हमें अपनी जन्नतों में हम सबको जमा फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल मजीद व रफ़ाना व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन कलीमुन रऊफुन व रब्बुल अलीम। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فليدعو يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أولى وأكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة